मूवी शुरू होती है 1947 अमेरिका में, जहां हम हम्बर्ट को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, जिसके मुंह पे खून लगा हुआ था और वह किसी के ख्यालों में खोया हुआ था। वह कहता है कि लोलिता मेरी प्यार थी, मेरी जिंदगी थी। इसके बाद हमें हम्बर्ट की बचपन दिखाई जाती है, जब वो 14 साल का था और फ्रांस में रहता था। तभी उसके टाउन में एनाबेल नाम की एक लड़की आती है, जिसे देखते ही हम्बर्ट को उससे प्यार हो जाता है और एनाबेल भी उससे प्यार करने लगती है। पूरा समर ये लोग एक साथ बिताते हैं और जल्दी इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं, लेकिन इनका प्यार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता क्योंकि एक बीमारी के चलते एनाबेल की मौत हो जाती है, जिससे हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। इस घटना के बाद उसे कभी किसी से प्यार नहीं होता और उसकी पूरी जिंदगी एनाबेल जैसी लड़की को ढूंढने में निकल जाती है। अब इस घटना को बहुत साल बीत जाते हैं और हम्बर्ट एक 40 साल का अधेड़ उम्र का आदमी है। उसे अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर की जॉब मिलती है, जो उसे नेक्स्ट सेमेस्टर से ज्वाइन करना था, लेकिन वो एक महीना पहले ही अमेरिका के लिए निकल जाता है क्योंकि वो एक नोवेल लिख रहा था जिसको उसे इसी छुट्टी में कंप्लीट करना था। उस बुक को लिखने के लिए वो अपने अंकल के घर जाता है, पर उनके घर में आग लगी थी और पूरा घर डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो उसके अंकल अपने फ्रेंड के घर हम्बर्ट के रहने का इंतजाम कर देते हैं। उनका फ्रेंड पहले ही मर चुके हैं, अब उनकी वाइफ इस घर में रहती है जिनका नाम था हेज। वो हम्बर्ट को घर दिखाती है, पर हम्बर्ट को घर पसंद नहीं आता क्योंकि वह घर काफी छोटा और गंदा था और हम्बर्ट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पहली बार देखते ही हेज हम्बर्ट को पसंद करने लगी थी। वह कहती है, मेरे घर में एक और जगह है जो तुम्हें जरूर पसंद आएगा, पहले वो देख लो फिर डिसाइड करना। वो उसे गार्डन में ले जाती है और उधर हम्बर्ट पहली बार ललिता को देखता है, जिसे देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और ललिता को देखकर उसे एनाबेल की याद आती है। ललिता बिल्कुल एनाबेल की तरह ही खूबसूरत थी और उसकी उम्र भी 14 साल थी जितनी एनाबेल की थी। ललिता हेज की बेटी है। हम्बर्ट की पूरी जिंदगी एनाबेल जैसी लड़की की तलाश में गुजर गई और अब जाकर उसे ललिता मिली है, जो उसे एनाबेल की याद दिलाती है, और घर नहीं पसंद होने के बावजूद भी हम्बर्ट यहाँ रहने के लिए राजी हो जाता है। काम करते टाइम यहाँ तक कि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी वो ललिता को ही देखते रहता है। उसकी एक डायरी है, हर दिन वो क्या क्या करता है सब कुछ उस डायरी में लिखता है। हम्बर्ट वहाँ एक छोटे से कमरे में रहकर अपनी नोवेल को पूरा करने की कोशिश करता है। ललिता की उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन वह अपनी उम्र से काफी ज्यादा समझदार थी। जब उसने पहली बार हम्बर्ट को देखा था, तभी वह जानती थी कि हम्बर्ट उसे पसंद करता है। वह कई बार जानबूझकर उसे टच करती है, फिर वह हम्बर्ट के गोद में बैठती है और उसे फ्लर्ट करती है। दूसरी तरफ मिस हेज हम्बर्ट की चार्मिंग पर्सनालिटी पर फिदा हो जाती है और उसे शादी करने के सपने देखने लगती है। अगले दिन जब उनके साथ हम्बर्ट एक लेक के पास गया होता है, तब मिसेज हेज बताती है कि वो ललिता को एक समर कैंप में भेजने वाली है। हालांकि ललिता कैंप जाने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन उसकी माँ उसकी एक भी नहीं सुनती। जिस दिन ललिता कैंप जाने वाली थी, उस दिन हम्बर्ट को उठने में लेट हो गया था। वो भाग के विंडो के पास आता है और ललिता को देखता है। ललिता भी उसे देख लेती है। वो गाड़ी से उतरकर भाग के उसके पास आती है और कूद के उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करती है, और हम्बर्ट इस पल को बार बार इमेजिन करने लगता है। ललिता के कैंप जाने के बाद मिसेज हेज अपने मेट के हाथ से हम्बर्ट को एक लेटर भेजवाती है, जिसमें उन्होंने उसे शादी करने के लिए प्रपोज किए थे। हम्बर्ट भी उसे शादी करने के लिए मान जाता है क्योंकि यही एक बेस्ट तरीका था ललिता के पास रहने का। दोनों शादी कर लेते हैं और हम्बर्ट ललिता के कैंप से वापस आने का इंतजार करता है। उसके ऊपर ललिता का जादू ऐसा चढ़ा होता है कि वो मिसेज हेज के साथ शारीरिक संबंध को अवॉइड करने के लिए उन्हें नींद की गोली देने लगता है। मिसेज हेज को हम्बर्ट और ललिता के रिश्ते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और यह उन दोनों का एक सीक्रेट था, लेकिन यह ज्यादा दिन तक सीक्रेट नहीं रह पाता। एक दिन जब हम्बर्ट घर पे नहीं होता है, तब मिसेज हेज उसकी डायरी पढ़ लेती है और उसे ललिता के प्रति हम्बर्ट के इरादे का पता चल जाता है। इतना ही नहीं, उस डायरी में हम्बर्ट ने उनके लिए काफी घटिया बातें लिखी थी कि वो एक चिपकू औरत है। हम्बर्ट के घर वापस आने के बाद वो उस पे बरसने लगती है और कहती है, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। वो हम्बर्ट से सारे रिश्ते तोड़कर घर से बाहर निकल जाती है। तभी अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाती है और वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। हम्बर्ट को थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन वो पूरी तरह से फ्री हो चुका था। ललिता के साथ उसके रिश्ते पे पाबंदी लगाने वाला अब कोई नहीं था। वो ललिता को उसके माँ के मौत के बारे में नहीं बताता और कहता है कि वो हॉस्पिटल में है। वो उसे लेने के लिए कैंप में जाता है और उसकी मासूमियत देखते ही वो फिर से उसके प्यार में पड़ जाता है। वो कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया, और ललिता कहती है कि तुम मेरी परवाह ही नहीं करते हो क्योंकि तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया। ललिता की बोल्डनेस देखकर हम्बर्ट एकदम चौंक जाता है और गाड़ी को एक साइड में रोक देता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और ये इन दोनों के रिश्तों की शुरुआत थी। हम्बर्ट कहता है कि उन्हें आज एक होटल में रुकना है और अगले दिन वे लोग उसके माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे। होटल में ललिता की मुलाकात क्लियर नाम के एक हैंडसम आदमी से होता है और वे उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। हम्बर्ट की मुलाकात भी क्लियर से होती है, लेकिन वो उसे नाम से नहीं जानता। उसे लगता है कि वह कोई स्पाई है जो उसकी बीवी के मौत के बारे में तहकीकात कर रहा है। होटल में दोनों
दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशन डेवलप हो जाता है और दोनों इस पल को काफी एंजॉय करते हैं। अगले दिन एक गैस स्टेशन पे ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि उसे अपनी माँ से बात करनी थी, मगर हम्बर्ट उसे सच बता देता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। ललिता के लिए यह खबर बहुत ही शॉकिंग था और होटल वापस आके वो दिन भर रोती रहती है। अब घर लौटने का उनके पास कोई वजह नहीं था और ये दोनों पूरा अमेरिका घूमने के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच वे लोग कई होटल्स में रुकते हैं और एक कपल की तरह इंजॉय करते हैं। फाइनली दोनों बियर्सली कॉलेज पहुंचते हैं जहां हम्बर्ट अपनी इंग्लिश प्रोफेसर की जॉब संभालता है और ललिता को एक स्कूल में एडमिट कर देता है। यहां भी दोनों के बीच हमेशा शारीरिक संबंध डेवलप होते रहते हैं, लेकिन दुनिया की नजर में ये दोनों बाप बेटी की तरह पेश आते थे। ललिता को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था और उसे डांस करना पसंद होता है। ललिता के स्कूल में एक प्ले होने वाला था और वो इस प्ले में एक्टिंग करने वाली है। अगले दिन हम्बर्ट स्कूल में प्ले देखने जाता है जहां उसे पता चलता है कि इस पूरे प्ले को क्लेयर ने लिखा है। क्लेयर वही आदमी है जिसे वो होटल में मिला था। जैसे जैसे समय बीतता जाता है दोनों के बीच रिलेशन ज्यादा रोमांटिक नहीं रहता। हम्बर्ट को ललिता के प्रति इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है। उसे डर लगता है कि ललिता उसे छोड़कर चली जाएगी। एक दिन जब उसे ललिता के पास कुछ पैसे मिलते हैं तो उसे लगता है कि वो ये पैसे इसलिए जमा कर रही थी ताकि वो उसे छोड़कर कहीं जा सके। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में ललिता को फोन पर किसी से बात करते देख लेता है तो वो जल्दी से फोन को काट देती है और स्ट्रेंज बिहेव करने लगती है, मानो जैसे कुछ छुपा रही हो। इससे पहले उनका रिलेशन और खराब हो हम्बर्ट उसे एक ट्रिप पे चलने को कहता है, लेकिन इस बार ललिता को तय करना था कि वे लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। रास्ते में हम्बर्ट को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और शायद ये वही आदमी था जो उसे होटल में मिला था। जब ये लोग एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं तब हम्बर्ट कुछ चीजें खरीदने के लिए अंदर जाता है। वो देखता है कि बाहर ललिता किसी अनजान आदमी से बात कर रही है। वो भागकर तुरंत बाहर आता है मगर तब तक वो आदमी जा चुका था। पूछने पर ललिता कहती है कि वो आदमी रास्ता भटक गया था। हम्बर्ट को लगता है वो कोई और नहीं बल्कि वही स्पाई था जो उसका पीछा कर रहा था। आगे की जर्नी में भी उसे लगता है कि कोई आदमी गाड़ी बदल बदल कर उसका पीछा कर रहा है। उसके बाद वो लोग एक होटल में रुकते हैं जहां हम्बर्ट कुछ खरीदने के लिए बाहर जाता है और जब वो वापस आता है तो उसे ललिता थोड़ी मेसी सी लगती है। उसके पैर गंदे थे, बाल बिखरे थे और लिपस्टिक मसला हुआ होता है। हम्बर्ट को लगता है कि उसके जाने के बाद यहां जरूर कोई आया था, पर ललिता कहती है कि यहां पे कोई भी नहीं आया था। वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी यह चेक करने के लिए कि हम्बर्ट वापस आया कि नहीं, लेकिन उसकी हालत देखकर हम्बर्ट को उस पर यकीन नहीं होता। उस रात भी ये दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं, लेकिन हम्बर्ट को यह डर सता रहा था कि कोई ललिता को उससे दूर ले जाएगा। अगले दिन वो लोग अपना जर्नी जारी रखते हैं और रात को एक होटल पे रुकते हैं। वहाँ अचानक से ललिता की तबीयत खराब होने लगती है और हम्बर्ट तुरंत उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करता है। चेकअप के बाद डॉक्टर उसे कहते हैं कि ललिता को वायरल फीवर है और उसे आज रात हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। हम्बर्ट ललिता को हॉस्पिटल में छोड़ के वापस होटल में आता है। अगले दिन सुबह जब वो ललिता का खबर लेने के लिए हॉस्पिटल में कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उसे वायरल फीवर नहीं हुआ था और सुबह तक वो ठीक भी हो गई थी। फिर उसके अंकल आके उसे डिस्चार्ज करके अपने साथ ले गए हैं। ये सुनकर हम्बर्ट चौंक जाता है और वह जल्दीबाजी में हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां के स्टाफ से लड़ने लगता है। जब वो पुलिस को अपनी तरफ आते हुए देखता है तब वो शांत होकर सबसे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। दरअसल ललिता को कोई बीमारी थी ही नहीं, ये बस उसकी और क्लियर की वहां से भागने की एक प्लान थी। उसके बाद हम्बर्ट ललिता को सभी जगह ढूंढने लगता है। वो हर एक होटल में जाता है जहां पे वो दोनों रुके थे, इसी उम्मीद में कि शायद उसे कोई सुराग मिले। होटल की रजिस्टर चेक करने के दौरान हम्बर्ट एक ही हैंडराइटिंग को सभी जगह नोटिस करता है कि जिस होटल में रुके थे वो आदमी भी वहां रुका था और हर बार वो अपना नाम चेंज करता था। वो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है पर ललिता का कुछ भी पता नहीं चलता। वो सोचता है कि मेरे अलावा भी ललिता का कोई आशिक है। फिर वो अपने आप को समझाता है कि मेरे जैसा प्यार कोई ललिता को कर ही नहीं सकता। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन अचानक उसे ललिता की एक लेटर मिलती है जिसमें लिखा था कि उसने शादी कर लिया है और अभी वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और उसे पैसों की काफी जरूरत है। हम्बर्ट तुरंत लेटर पे लिखे एड्रेस पे पहुंचता है और 3 साल बाद हम्बर्ट ललिता से मिलता है। ललिता अब एक रिचर्ड नाम के आदमी से शादी कर ली थी और प्रेग्नेंट थी, लेकिन 3 साल बाद भी हम्बर्ट जानना चाहता था कि वो कौन आदमी था जो ललिता को उससे दूर ले गया था। वह आदमी रिचर्ड तो नहीं हो सकता क्योंकि वह आदमी काफी अमीर था और उम्र में भी काफी बड़ा था। ललिता कहती है कि वह आदमी क्लियर था और वो हम्बर्ट के पीछे उससे मिलने आया करता था। वो ये भी कहती है कि क्लियर ही एक ऐसा आदमी था जिसके लिए वो पूरी तरह से दीवानी थी और ये सुनने के बाद हम्बर्ट का दिल टूट जाता है। वो कहती है कि जब वो पहली बार क्लियर के घर गई थी तो उसे पता चला कि क्लियर एक पॉर्न इंडस्ट्री चलाता है और उसे टीनेज लड़कियां काफी पसंद है, लेकिन ललिता को किसी और लड़के के साथ सेक्स नहीं करना था और उसे बस क्लियर के साथ ही सेक्स करना था। ये सुनकर क्लियर उसे वहां से निकाल देता है।
हम्बर्ट को उसके ऊपर तरस आता है क्योंकि अब वो अपनी जिंद की गरीबी में जी रही थी। वो लोलिता को अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन लोलिता उसे मना करती है। वो कहती है कि वो अब उसके साथ कहीं भी जाना नहीं चाहती, इससे अच्छा तो वो क्लियर के साथ चली जाएगी। ये सुन के हम्बर्ट को काफी दुख होता है और आखिरी बार वो लोलिता को जी भर के देखता है। वो उसे कुछ पैसे भी देता है और उसके साथ आज तक उसने जो कुछ भी किया उसके लिए उससे माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो क्लेयर को मारने के लिए सीधा उसके घर की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि जिस लड़की को उसने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया क्लेयर ने उसे छीन लिया और उसे सड़क पे ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद भी लोलिता क्लेयर की दीवानी थी। हम्बर्ट क्लेयर की मेंशन पहुंचता है लेकिन क्लेयर को लोलिता के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे ना तो लोलिता याद है और ना ही हम्बर्ट याद है। वो कई लड़कियों के साथ ऐसा पहले भी कर चुका है। पहले वो लड़कियों का पीछा करता है, फिर उन्हें प्ले में काम करने का लालच देता है और फिर उन्हें यूज करके छोड़ देता है। जरूरी नहीं कि वो सभी को हमेशा याद रखे। हम्बर्ट लोलिता के बारे में उसे याद दिलाता है और कहता है कि वो उसे सजा देने के लिए आया है। अब क्लेयर को लोलिता के बारे में थोड़ा थोड़ा याद आता है और कहता है कि उसने उसके साथ जबरदस्ती नहीं किया और लोलिता अपनी मर्जी से यहाँ आई थी और जब उसे यहाँ काम अच्छा नहीं लगा तो वो अपनी मर्जी से यहाँ से चली गई। फिर क्लेयर अपनी जान बचाने के लिए हम्बर्ट को इस मेंशन में रहने का ऑफर देता है जहाँ डेली उसे सुंदर टीनेज लड़कियाँ मिलेगी और उसे वो सब कुछ मिलेगा जिसका वो सपने देखता है। और ये सब सुनकर हम्बर्ट और भी गुस्सा हो जाता है क्योंकि लोलिता के लिए उसका प्यार सिर्फ सेक्सुअल नहीं था बल्कि वो सच में लोलिता से काफी प्यार करता था। वो क्लेयर के ऊपर कई गोली चलाकर उसे मार डालता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और ये मूवी का वही फर्स्ट सीन था जहाँ हम्बर्ट गाड़ी चलाते हुए लोलिता के ख्यालों में खोया हुआ था। क्लेयर के खून के जुर्म में पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है लेकिन अब हम्बर्ट भागने की कोशिश भी नहीं करता। अब उसे अपनी जिंदगी से कोई मतलब नहीं था क्योंकि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया वो उसे प्यार ही नहीं करती। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और हम्बर्ट को जेल हो जाती है। जेल में होने के एक साल के अंदर ही एक बीमारी के चलते हम्बर्ट की मौत हो जाती है और अगले ही महीने लोलिता अपने बच्चे को जन्म दे के मर जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। यह मूवी रिलीज हुई थी 1997 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 स्टार आउट ऑफ 10। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।